दोस्तों, टॉप गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंडियन नेवी में आई हुई 2700 वैकेंसीज के बारे में। 12वीं पास के लिए सुनहरा मौका आ गया है, तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल में और प्लीज ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इंडियन नेवी में आई है सेलर की वैकेंसीज और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पोस्ट है 2700 वैकेंसीज, तो ये काफी बढ़िया मौका लग रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा होंगे वो 8 नवंबर 2019 से 18 नवंबर 2019 तक जमा होंगे, तो मतलब अभी आपके पास 2-3 दिन का टाइम है। मतलब आप 8 नवंबर से 18 नवंबर 2019 तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में कि मतलब अगर यदि आप सेलर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं एज लिमिट की बात करूंगी। जो कैंडिडेट्स हैं वो 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2003 के बीच पैदा होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, जो आर्टिफिशियल अप्राइंस AA की पोस्ट है उसके लिए जो है उम्मीदवार ने 10+2 एग्जामिनेशन पास किया हो विद 60% या उससे ज्यादा मार्क्स हो एग्रीगेट में और कैंडिडेट्स के पास मैथ्स एंड फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स होना चाहिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो थी आर्टिफिशियल अप्राइंस की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और जो कैंडिडेट सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए चाहिए क्वालिफाइड इन 10+2 एग्जामिनेशन विद मैथ्स एंड फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे आपको तुरंत हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों, ये तो हुई इम्पॉर्टेंट डेट्स एलिजिबिलिटी की बात। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, मतलब भारतीय नौसेना ने क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के बेस पे होगा। तो मतलब आपको भर्ती होने के लिए तीनों स्टेजेस को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी एप्लीकेशन फी के बारे में। कैंडिडेट को यहाँ पे 215 रुपए ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा करने होंगे और आप अपनी फीस जो है बाय नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीजा, मास्टर, रुपए क्रेडिट, डेबिट कार्ड और UPI के माध्यम से जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या सैलरी आपको ऑफर की जा रही है। मतलब यदि आप इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको काफी अच्छी पे स्केल ऑफर की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 21,700 रुपए से 69,100 रुपीज तक पर मंथ आपको पे किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस भर्ती के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो आवेदन है वो ऑनलाइन माध्यम से जमा करने हैं, किसी और अन्य मोड में किए गए आवेदन जो है वो अस्वीकार कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी इंडियन नेवी में आई हुई सेलर की वैकेंसी की पूरी डिटेल। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से dailynaukri.com के लिंक पर क्लिक करें, जहां पर जाकर आप इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हो और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स लेकर आते हैं।